Hey guys, welcome back to my channel. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसान और किफायती तरीके से किचन में काम करते करते अपना पूरा फेशियल कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 आसान से स्टेप्स। यदि आप इसे कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो 100% ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज इसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह के और भी वीडियोस देख सकें। चलिए देखते हैं स्टेप 1। रायता बनाते हुए फेस को ब्लीच करें। खाने में आज रायता है तो बढ़िया है, क्योंकि इससे आपके फेशियल के स्टेप 1 यानी ब्लीच का जुगाड़ हो गया है। क्या आपको पता है कि दही एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है? दही में लैक्टिक एसिड होता है जो ब्लीच की तरह काम करता है। तो रायते के लिए नमक मसाला डालने से पहले 2 चम्मच दही अलग निकाल लें। अब इस दही को अपने चेहरे पर मल लें। और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इस बीच हाथ धोकर आप रायता तैयार कर लें। स्टेप 2। चावल उबालते हुए दें फेस को स्टीम। चावल उबालने रखते समय कुछ एक्स्ट्रा पानी रखिए। जब चावल पक जाए तब माड़ के पानी को अलग बोल में निकाल लें। अब सावधानी से अपने चेहरे को माड़ के बोल से कुछ दूर रखकर टॉवल को ऊपर से कवर कर लें। हल्की स्टीम को चेहरे पर महसूस करें। चेहरे पर हल्की स्टीम देने से डेड स्किन और गंदगी लूज हो जाती है और फिर उसे निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। चावल की स्टीम चेहरे पर कसाब लाती है, पोर्स को टाइट करती है और कील मुहासों से त्वचा को बचाती है। अब 5 से 7 मिनट स्टीम लेने के बाद चेहरे को साफ ठंडे पानी से धो लें। स्टेप 3। दाल बनाते बनाते करें स्क्रब। भीगी हुई दाल को कुकर में चढ़ाने जा रही हैं तो पहले भीगी दाल के 2 चम्मच अलग निकाल कर पीस लें। ध्यान रहे पेस्ट बहुत महीन नहीं होना चाहिए। अब इसमें कच्चे दूध के 2 चम्मच मिला लें। अब जब तक दाल में सीटी लगती है तब तक इस पेस्ट को चेहरे पर हल्के हाथ से गोलाई में मलें। बीस मिनट तक इसे सूखने दें और फिर चेहरे को धो लें। इस स्क्रब से चेहरे पर चमक आती है और चेहरे से झाइयां और टैनिंग भी निकल जाएगी। स्टेप 4। हींग का तड़का लगाते लगाते झुर्रियों को कहें बाय बाय। दाल हमारी बन चुकी है तो उसमें अब तड़का लगाने की बारी है। क्या आप जानती हैं कि मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाले हींग में सुंदरता के कई राज छुपे हैं? हींग में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो मुहासे और स्किन इन्फेक्शन को दूर करने में मददगार होते हैं और साथ ही साथ झुर्रियां और फाइन लाइंस को दूर करता है। हींग फेस पैक बनाने के लिए इसमें हम गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी मिला लेंगे। अब चलिए इस फेस पैक को चेहरे पर लगाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो हो सकता है हींग से आपको इचिंग हो, तो प्लीज आप हींग बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करें। पैक को सूखने तक चेहरे पर लगा के रखें और फिर चेहरा ठंडे पानी से धो लें। स्टेप 5। घी से बेहतर कोई मॉइस्चराइजर नहीं है। घी में नेचुरल एंटी एजिंग तत्व होते हैं। चेहरे की त्वचा बाकी शरीर की त्वचा से पतली होती है। घी आपके चेहरे को एक नई दमक देता है। घी को आप
फटे होंठों को ठीक करने के लिए भी यूज कर सकती हैं। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। ओके बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोस के साथ।